अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अभी यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है और बज रहे करीब 3 बज रहे होंगे। तो अभी मैं जस्ट खाना खा के उठी हूँ, तो मैं बोली चलो यहाँ से मैं अभी अपना ब्लॉग चालू कर देती हूँ, वरना आज सुबह से मैं सोच ही रही हूँ मगर नहीं बना पा रही थी। तो अभी बच्चे लोग ऊपर गए हैं खाना वाना खा के, और मैं थोड़ा लेट हो गई खाना खाने में क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ना था। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, इसके बाद फिर मैंने अभी खाना खा के थोड़ा बैठी थी मैं, तो मैं बोली चलो अभी अपना ब्लॉग चालू कर देती हूँ मैं। और सोयल गया है स्कूल, और अभी ऊपर है सैफ और सबा, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बाहर जाने का है। आ जाओ आ जाओ, चलो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, तुम जाओ। चलो बिल्ली थी जिसे बाहर जाना था, मैंने उसको भेज दी हूँ। और पंखा बंद कर देती हूँ मैं, और मोरी की लाइट भी बंद कर देती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ क्या कर रहे हैं सबा। तो ये मैंने टीवी ली थी बच्चे लोग के लिए, क्योंकि मेरे पास थी पहले दीवार वाली टीवी, लेकिन वो हो गई है ख़राब। तो मैंने उसे बनाने दी थी, लेकिन उसने बनाने वाले ने बोला था मत बनाओ आपको फ़ायदा नहीं रहेगा, ये बाद में भी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बोली चलो फिर अभी क्या फ़ायदा ले बना के। तो मैंने इसको नहीं बनाया क्योंकि मैं 2000 रुपया खर्चा कर रही हूँ, तो उसका मतलब ही नहीं ना जब नहीं चलेगी बराबर। तो मैंने इसको रख दी थी, लेकिन मेरे बच्चे लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे मम्मी टीवी ले लो टीवी ले लो। तो मैंने ये जूने में टीवी ली हूँ, और माशाल्लाह बहुत बड़ी टीवी है, आप देख सकते हो। बताती हूँ आपको, 21 इंच की टीवी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है और काफ़ी बड़ी भी है, मेरी पहले वाली टीवी से ज़्यादा ही बड़ी है। और ये मुझे 1500 की आई है, क्योंकि जूने में है तो वो तो 2-2500 बोल रहा था, उसको कम करते करते उसको कम कराई मैंने, तो वो 1500 में देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं दिया, बोला अब घर पे लेके जाओ फिर वो ख़राब हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो मैं लेने के लिए बहुत डर रही थी, मगर मैं बोली चलो देखते हैं जो भी होगा नसीब में, अच्छा ही होगा बुरा तो नहीं होगा। लेकिन मैं बोली चलो ले लेते हैं, माशाल्लाह उसको लेके करीब 15 दिन हो रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे नहीं मालूम मुझे, मगर फिर भी अच्छी चल रही है। तो चलो बच्चे लोग का थोड़ा दिल लगा रहता है, जैसे कि अभी सैफ घर में है और सोहेल स्कूल चला जाता है तो वो अकेला बोर होता है, तो मैंने बोली चलो ले लेती हूँ। तो बस वही बच्चा देख रहा है मेरा। और सैफ तेरे को कपड़े वपड़े निकाल दे, नहा ले जाके बेटा। कभी नहाएगा तू, बोला था मैं आधे घंटे के बाद नहा लेता हूँ। देखो कैसे आराम से बैठा है, बस इसका ऐसे ही रहता है, इसको बोलेंगे नहीं ना तो ये एक। तो चलिए मैं इसके लिए पहले कपड़े निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर उसको देखती हूँ क्या निकालूँ। ये बनियान है, चड्डी है, चल ठीक है ऊपर ही निकल गया, देख सर ये निकाल दी, चलेगा पीने चल ठीक है। चल तू नहा लेना सबा, तू अभी सो रही कि नहीं, कि तुम अगर एक टाइम बिल्कुल नहीं लेटना ठीक है। चल तो ये देखिए, मैं देखो आज मैंने क्या पहन ली, मैक्सी। मुझे मैक्सी बहुत अच्छी लगती घर में, आप लोग मुझे मैक्सी पहना हो, बाकी कहीं भी चलता कुछ भी कपड़े, मगर घर में मुझे मैक्सी ही चाहिए, तो मैं मैक्सी पहनी। चल सैफ फटाफट उतरो, जल्दी उतरो, टीवी बंद करके उतरना ठीक है। चलो सैफ तू जा, मैंने बाल्टी में पानी भर दी हूँ। और यहाँ मेरा देखो एक काम निकल गया है, मुझे बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, क्या करूँ मैं बताती हूँ आप लोग को। ये एक छोटा सा वॉश बेसन है, और इसका पाइप आज टूट गया है, पता नहीं कैसे टूट गया है, ये देखिए कैसे टूट गया पता नहीं, और हम लोगों को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो जो रूम वाली है उसने इसमें लादी के अंदर से उसने पाइप डाली थी, पता नहीं अभी कैसे डालेंगे क्या करेंगे। और ये बहुत पुराना लग रहा, मुझे लगता जब इनका घर वर बना था ये जब ही का है, देखिए कितना पुराना है, उसको कुछ कर भी नहीं सकते, बड़ा गंदा भी लगता है मुझे।
लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये पन्नी वगैरह बस उनके ही टाइम से बंधी हुई है। और ये देख सकते हो आप, बड़ा गंदा दिख रहा है क्योंकि ज़रा से भी उसको हाथ हाथ लगाए ना तो लिकिच होने लग जाता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करती। और ये आप देख सकते हैं, मैं तो रोज़ धोती हूँ, ये पता नहीं ये कुछ उनका लगा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं खोल के भी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये अभी पाइप टूटा हुआ है। और ये हमारी खिड़की का नज़ारा देखिए आप लोग, कुछ इस तरह से बहुत छोटी खिड़की है मेरी, ये देखिए सामने बस झोपड़े झोपड़े आपको दिखेंगे और कुछ भी नहीं है। ये देखिए एडजस्ट लगा के रखी हूँ मैंने। और गर्मी तो माशाल्लाह इतनी हो रही कि पूछने की कोई बात ही नहीं है, पूछने का क्या। बस एक छोटी सी खिड़की यहाँ है, वो भी ज़्यादा नहीं है, बस दीवार ही दीवार है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मेरे कपड़े वगैरह सूखते हैं मेरे बच्चे लोग के मेरे, और यहाँ मेरे बच्चे लोग के नाइट के कपड़े टंगे हुए, मैंने पैप रखी हूँ क्योंकि जब भी हमारे को पैप की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रख दी हूँ। और ये डिटॉल रखा है, तो चलिए अभी नीचे जाती हूँ मैं। चल सब फिर कल लेना, लाइट बंद कर दूँ क्या मैं? चल ठीक है साहब, उतरोगी नहीं? उतर चलिए। चल मैं आ रही हूँ, अभी बिल्ली बाहर गई है, उसके छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं, पता नहीं उसने कैसे लेकर आ गई दो दिन पहला। ये इसके कबाट के अंदर है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी सो रहे हैं अंदर छोटे छोटे से बच्चे जो सो रहे हैं, आपको कभी दिखाऊंगी मैं। ठीक है साहब, जब भी उतरता है कुछ ना कुछ गिराता पड़ाता रहता है, अभी आपने देखी होंगी पिछले वीडियो में भी। ये तो ये सीढ़ी इतनी खड़ी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं डरती हूँ लेकिन आपको डर नहीं लगता है। ये देखिए कितनी गंदी लादी लगती है, ये बहुत गंदी लगती मुझे ये। ये देखिए, देख सकते हैं आप कैसी लादी है ये, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। कितना भी साफ कर लो वो, ये भी देखिए कैसी लग रही ना, एकदम गंदी गंदी, जैसे कभी साफ ही नहीं करे। ये दो तीन लादियाँ बड़ी गंदी है, ये देखिए, ये देखिए जैसे कभी कोई साफ ही नहीं करता, ये सब दाग वाली लादियाँ हैं। ये देखिए ठीक है, ये लादी मुझे अच्छी लगती है। देखिए अब फिर खड़ा हो गया। अच्छा रुक जा, मैंने पानी रखी, मैं बताती हूँ। हाँ चालू कर लेना नल, और ले ले अच्छे से भर दे, नहा ले, साबुन वगैरह वहाँ रखे हैं। ठीक है तो अभी यहाँ टांगी हूँ मैंने, फटाफट नहा ले। ठीक है बंद करूँ? चल मैं ऊपर जाऊँ जरा। ठीक है तो चलिए, अभी यहाँ पे मेरा खाना वाना जैसे कि आप लोग को बता रही हूँ पक गया था। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, आपको बता देती हूँ कि कल का थोड़ा सा पुलाव बचा हुआ था जो मैंने गरम कर ली थी, और बस ये हमने खा लिए। रुकिए आपको बताती हूँ कि कल मैंने पुलाव बनाई थी तो बस ये थोड़ा सा ही बचा है सोयल के लिए, वो आके खा लेगा। इसमें चिकन वगैरह कुछ भी नहीं है, सब खा लिए लोगों ने वो आके चिल्लाएगा। और इसमें थोड़ी सी मैंने खिचड़ी पका ली थी, बोले अभी और क्या बनाऊँ मैं तो इसके लिए, तो मैंने बोली चलो अभी इस टाइम तो मैं वैसे भी नहीं बनाती, आप लोग को पता है हम लोग शाम को ही बनाते हैं, तो मैंने अभी बना दी थी। तो मैंने सभा ने और सैफ ने खा लिया, बस बचा है सोयल, वो भी खा लेगा। थोड़ी सी खिचड़ी थी अभी उसके लिए बची है, तो आगे खा लेगा, फिर देखते हैं रात को क्या बनाना क्या नहीं बनाना। देखिए पंखा बंद कर कितना पसीना पसीना हो रहा है। तो चलिए फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ।